<laughs> Assalamu alaikum Amanar from Morocco. and You're watching Pakistani reactions in today's video I'll react to a video by Abdul Qadir. Imran Khan's electoral tsunami hits Pakistan as PTI sweeps. Elections 2024 celebration starts. अगेन so बहुत बहुत मुबारक हो सारे पाकिस्तानियों को जिन्होंने पी टी आई को वोट दिया है जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया है तो आप सबको बहुत मुबारकबाद और आइए वीडियो देखते हैं देखिए जश्न का समय इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के बाहर क्या माहौल है यहाँ पर कारकुनान पहुंच चुके हैं पार्टी परचम था में यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर और इसके बिल्कुल सामने ये मनाजर है इस वक्त अस्सलाम पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल का सलाम ना सिर्फ एक हाथ से बल्कि आज तो दोनों हाथों से सलाम और सैल्यूट क्या जबरदस्त कमाल कर दिया पाकिस्तानियों आपने मतलब के हेड्स ऑफ टू यू ऑल द पीपल ऑल द ब्यूटिफुल पीपल जिन्होंने जाके आज वोट डाला जिन्होंने आज हिम्मत नहीं हारी बल्ले का निशान लिया था ना आज चारपाई से आज चिमटे से आज टूथब्रश से आज पता नहीं किस किस चीज़ से जूते से भी सारी अच्छी तरीके से सफाई हुई है और अभी बख्श काम जारी है इसके बाद अभी इस वक्त रात के तकरीबन सवा ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक का टाइम है इसके बाद कुछ भी हो जाए इलेक्शन के नतज कुछ भी हो उसकी परवाह नहीं है जो अब हो गया जो अब कर दिखाया पाकिस्तानियों ने चौधरी ग़ुलाम हुसैन ने कहा था अगर एक बार इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतने लगे तो उसके बाद कहानी ख़त्म ये भूल जाएं कि वो कल को किस जमात में जाएं किस में नहीं जाएं बस उसके बाद आपकी कहानी खत्म और ये आज पाकिस्तानियों ने साबित कर दिखाया इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से बाकायदा जीत का ऐलान हो चुका ऑल दो के अभी इलेक्शन कमीशन की जानब से रिजल्ट आना बाकी है लेकिन पूरी कहानी खुल चुकी है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर पूरे पाकिस्तान के सामने इस वक्त सारी सिचुएशन है मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात करता लेकिन वक्त कम है मुझे आर ऑफिस भी भागना है लेकिन जो मैं मनाजर देख के आया हूँ और जो लोगों का जोश और जज्बा देख हूं आई विश कि मैं एज इट इज आपको दिखाता कि क्या मनाजर है अभी आगे मैं दिखाऊंगा अभी कॉपी का इशू है मैं एज इट इज पीटीआई के तरानों के साथ वो विजुअल्स शायद नहीं दिखा सकता लेकिन कोशिश करूंगा कि किसी ना किसी तरह से विलॉक के अगले हिस्से में वो मनाजर आपके सामने रखूं और आपको पता चले कि लोग कितना खुश है कितना पुरजोश है और इस वक्त किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है जो पी ने जीत का ऐलान कर दिया है वो इस अंदाज़ से किया है कि उनके दो रहनुमाओं जो पी के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब और जो सैनिटर अली ज़फ़र है जो सैनट में कायदेवान एवं हैं उनकी तरफ से आवाम से इजहार तशक् भी कर दिया गया है

कि मेरी पार्टी को तोड़ भी देंगे सारे मुझे छोड़ भी जाएंगे सब कुछ हो जाएगा बट एट द एंड मेरी पार्टी जीत जाएगी और एग्जैक्टली exactly वही हो रहा है पी इज ऑन द विनिंग ट्रैक और ये जो मैसिव टर्नआउट है इसने हिट किया है इस पूरे इलेक्शन को अक्रॉस द कंट्री और ये मुमकिन नहीं था मतलब मैं ये सच्ची बात है आपको यहाँ पे बैठ के होप्स तो हम बहुत देते हैं या बातें तो बहुत कर लेते हैं आसान होता है बातें करना या आपकी थोड़ी सी होप्स को अलाइव रखना बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि यार इतने ज़्यादा निशानात हैं ये कैसे मुकाबला होगा अवाम कैसे इन निशानात को की बट यहाँ पर एक मोमेंट निकालिए आप एक मिनट निकालिए बेशक लेकिन पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के लिए आपको एक मिनट दस मिनट जितना भी टाइम मिले आपको निकालना चाहिए कि ये काम उनकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था इस वक्त पीटीआई अगर विनिंग ट्रैक के ऊपर है तो ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की वजह से है जितनी आप पट्टियां पढ़ लें जितनी आप स्लाइड्स पढ़ लें इंडिपेंडेंट 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 आज़ाद 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 उम्मीदवार आ गए हैं पीटीआई का तो झंडा तक नहीं कहीं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कहीं पता नहीं चल रहा कि पीटीआई ने कोई वहाँ पर कुछ किया है आज मैं कंट्रोल रूम से अभी उठ के आया हूँ उसके भी मनाजर दिखाता हूँ कि वो यंग लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत की आप लोगों को नाम और निशान बताने के लिए आज मुझे एक उम्मीदवार एक नौजवान ने बताया कि पाकिस्तान में सर्विस बंद कर दी गई थी कि एट थ्री डबल ज़ीरो पर मैसेज नहीं हो सकता था सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन चलता था तो अगर कोई वोटर उनको लैंडलाइन से लैंडलाइन पर फ़ोन करता था तो वो आगे सऊदी अरब में उनका आईडी कार्ड नंबर भेजते थे और सऊदी अरब में वॉल्टियर लोग बैठे एट थ्री डबल ज़ीरो पर मैसेज करते थे जो जवाब आता था वो फिर व्हाट्सएप के थ्रू इनको बताते थे जो लैंडलाइन का इंटरनेट था और उसके थ्रू फिर आगे कन्वे होता था उम्मीदवारों को इस लेवल तक जाकर पी के वॉल्टियर्स ने काम किया और अब फिर जो आपने कमाल कर दिखाया उसकी तो अभी चर्चा होगी डिबेट होगी ऑल मैं फिर पीट कर रहा हूं कि यह कोई हतमी ऐलान नहीं है या कोई हतमी जीत नहीं है फाइनल वही होगा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफाई होगा अभी बहुत सारा खेल बाकी है बट स्टिल यहां तक आ जाना ये आखिरी बॉल तक लड़ लेना और यहां पे गेम को ले आना ये कोई और पार्टी नहीं कर सकती थी जो आपने कर दिया कुछ ही देर में विजुअल्स आपके सामने रखूंगा तो इस इनिशियल जीत को अगर आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुश हैं तो इसका इजहार जरा सब्सक्राइब का बटन दबा के कर दीजिए आज कोई कंजूसी नहीं चलेगी आज मैं खुद कह रहा हूं अमूमन कम कम कहता हूं लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं जैसे आपने वोट के ऊपर ठप्पे लगाए हैं ना बिल्कुल इसी तरह सब्सक्राइब के ऊपर भी जरा अंगूठा रखिए और अनसब्सक्राइब ना कर देना अगर किया हुआ है तो अंगूठा रखने से लेकिन सब्सक्राइब करें और बताएं कि आज मैं देखना चाहता हूं कि चैनल की रेटिंग कितनी के ऊपर जाती है और कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं सड़कों के ऊपर जो है वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट गए ये इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवारों से ये जिन लोगों की एक वो थी ना कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे हम वजीराला बन जाएंगे तो हम पता नहीं क्या बन जाएंगे उनको पता नहीं कितने वोट पड़े आप जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने वोट पड़े हैं उनको मैं तो अभी इस डिटेल में नहीं जाऊंगा जब तक ऑथेंटिक चीज़ें ना सामने हो बहुत सारे हलकों से अभी भी नतएज रोके जाने की इतलात है कि फॉर्म 45 जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन कुछ बता रहा है कि अभी हमारे पास रिजल्ट नहीं पहुंचे तो आखिरी मोमेंट पर अभी बहुत कुछ हो सकता है इसलिए इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट बट जो ग्राउंड रियलिटी है या इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बताना भी बड़ा ज़रूरी है बिकॉज जो इनिशियल मोमेंटम बनता है या जो कुछ इनिशियल स्टेजेस पे होता है वो बाद में कैरी होता है और उसी को लेके उसी के बयानी को लेके आगे बढ़ते हैं तो अभी जो नाकदीन है वो भी ये तस्लीम करने पर मजबूर हुए कि इस वक्त पी के बैग्ड आजाद उम्मीदवार सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं मतलब बगैर किसी जमात की सपोर्ट के ठीक है छोटी जमातें उनके साथ ही किसी बड़ी सियासी जमात की सपोर्ट के या किसी बड़ी सपोर्ट के बगैर ये कर दिखाया दैट मीन्स के नेशन आवाम या कॉम ये इमरान ख़ान के पीछे खड़ी है उसके साथ खड़ी है अब यहाँ से मेरा ख्याल है कि सबको सब को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि अवाम की क्या राय है या अवाम अपना मैंडेट किसे देना चाहते हैं अब यहाँ से आगे बढ़ने का एक ही फार्मूला है कि सब मिलकर बैठें और सोचें इस मुल्क के लिए इस मुल्क की आवाम के लिए इस इससे ज़्यादा आगे एग्जैजरेट ना करें इस तनाव के माहौल को खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचे पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचे एक एक कदम सब सब पीटीआई से भी कहता हूं पीटीआई के लोगों से भी कहता हूं एक एक स्टेप पीछे हट जाए इस पाकिस्तान के लिए हट जाए तो आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए पाकिस्तान तहरीक साफ के मरकज़ी दफ्तर के बाहर और अंदर तो एज़ इट इज़ तराने के साथ तो मैं आपको नहीं सुना सकूँगा उसके लिए माजरत लेकिन Uh, मैं कोशिश करता हूं कि कोई म्यूज़िक लगा के आपको सुना दूं अगर आप चाहें तो तराना उसके पीछे खुद लगा के वो माहौल बना सकते हैं तो वरना अगर कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई तो ये जो अच्छा भला चलता चैनल है जिससे आपको इन्फॉमेशन मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगी हो सकती है मतलब खतरा बढ़ जाता तो इसलिए आई होप कि आप समझेंगे म्यूजिक कापी होता है मैं उसको एज़ इट इज़ नहीं दिखा सकता लेकिन नॉन कॉपी म्यूज़िक को लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि माहौल था क्या अभी बहुत सारे काम बाकी है बहुत सारी जंग बाकी है बहुत सारा काम बाकी है बहुत सारे महाज बाकी है तो मैं ज़रा भागता हूँ आर ओ ऑफिस। आप ये व्लॉग देखिए ये विजुअल्स देखिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए आज तक के लिए अल्लाह हाफिजे थे ये थे पीटीआई के सपोर्टर्स की सेलिब्रेशंस जो चल रही है जब से रिजल्ट्स uh, आना शुरू हो गए हैं जो कि जिस वक्त ये वीडियो बनी है उस वक्त जो है वो फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए थे लेकिन जो है जितने रिजल्ट्स आए थे इनिशियल जो रिजल्ट्स आए थे उसमें पता चल रहा था कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ही जीत रहे थे और उनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रहे थे तो ये उनसे बल्ले का निशान चीन के और उनको आज़ाद उम्मीदवार बनाकर उनको अलग अलग निशान देकर इंतबी निशान देकर उनके लिए मुश्किल पैदा कर लिए उनके लिए चैलेंज पैदा कर लिया है ताकि उनको जीत जीतने में मुश्किल हो और उनके लिए जीतना आसान ना हो लेकिन फिर भी जो है आवाम ने फुल सपोर्ट दिखाया है और आज़ाद उम्मीदवार ही जीत गए लेकिन इसमें एक मसला हो गया कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार है वो उनको एज अ पार्टी कंसिडर नहीं करते उसी इसी वजह से जो है वो नवाज़ शरीफ आके अपना जो सॉर्ट ऑफ विक्ट्री स्पीच दे दिया है उन्होंने ये बोल करके हमारी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स हैं क्योंकि उनके नज़दीक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते वो पीटीआई से भी बिलोंग नहीं करते क्योंकि पीटीआई का निशान तो छीन लिया गया है तो उनके नज़दीक तो पी टी आई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही थी बल्कि वो आज़ाद उम्मीदवार थे जो किसी पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते तो ये सवाल पैदा होता है कि अब जब आजाद उम्मीदवार जीत गए तो हुकूमत कौन बनाएगा क्या पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या फिर जो है वो नवाज शरीफ दूसरे पार्टी से मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगे सो so, आने वाले वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है और हम सब की उम्मीदें हैं कि पीटीआई ही इकतदार में आए और नवाज़ शरीफ और बाकी लोग कोई जो है वो कोई खेल ना खेलें और हुकूमत बनाने की कोशिश ना करें सो so, ये थी आज की वीडियो और अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद सब उन सबको जिन्होंने पीटीआई को जिन्होंने जिन आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया है जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट दिखा के जो है वोट इमरान खान को दे दिया आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद ये थी आज की वीडियो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आए होगी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा फी अमन